हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर टेट्स एग्जाम। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारे चैनल को फिलहाल एनसीईआरटी बुक चलाई जा रही है जो सीटेट या अनटेट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर फिलहाल जो मैं बता ही दी हूँ कि एनसीईआरटी बुक चलाया जा रहा है, इससे पहले मैं class-3 और class-4 का ईवीएस और मैथ कंप्लीट करा चुकी हूँ और मैं अब paper-1 के लिए जो इम्पोर्टेंट है class-5 का ईवीएस वो लेके चल रही हूँ। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो नहीं मिला है, वो देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वहाँ पर टोटल मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस सीटेट में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप में जुनून है कि सीटेट को आप क्लियर कीजिएगा ही कीजिएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसे मैं बोलूंगी, उसे आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसे नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ये आपका फर्ज है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इस सब का PDF मैं डाल रही हूँ। वहाँ पर आप मुझे स्टडी स्क्विज के नाम से ही सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और उस पर आपको टोटल वीडियो भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है एनसीईआरटी बुक class-5 का EVS, ये है lesson 12 और इस lesson का नाम है बसेरा ऊंचाई पे। इसमें कोई भी टॉपिक जो है इसमें छाटने लायक नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, बट प्लीज़ मेरा आप लोग सहयोग कीजिएगा और गौर से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि ताकि आपके माइंड में ये टोटल चीज़ छप जाए, कहानी छप जाए, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन न रहे। इसलिए मैं जो बच्चों के लिए दिया गया होगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उसे मैं स्किप करते जाऊँगी। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया गया है आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हर दम। तो लोनर क्या अर्थ होता है, तो अकेले रहने वाला, इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है, हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़ सुरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया की सबसे ऊंचे रास्ते पर मोटरसाइकिल की यात्रा। ठीक है, अब यात्रा यहाँ से कैसे इनका स्टार्ट होता है, इसके बारे में दिया गया है। मेरी यात्रा लगभग 2 महीने की थी। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझकर जरूरत की सामान इकट्ठा किया, रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाले खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। ठीक है, कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो मुंबई से निकले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए और ये दिल्ली पहुंचे हैं। इन सबका चर्चा बीच बीच में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली तक का 14 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुंबई से दिल्ली का कितना रास्ता है, तो 14 किलोमीटर और कितने दिन का है, तो 3 दिन का, इसे भी आप नोट कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद थी दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसे ही लगी। यहाँ पे भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल कैसे है दिखने में, तो मुंबई जैसे ही है। ठीक है, इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले कुछ दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बस ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैं किताबों में देखे हैं। ठीक है, दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। दिल्ली में ये फिर अपना टोटल जो है सामान भरवा लिए हैं, फिर आगे बढ़े। 2 दिन के बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। देखिए, वहां से वो आप कहाँ पहुंचाएंगे, तो मनाली पहुंचे। ठीक है, असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य की कई मुश्किलें रास्ते से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। ठीक है, कहाँ तक, लद्दाख लेह तक इन्हें जाना था। ये जो क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से करने के लिए कोशिश कीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन उठाकर सीटेट में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा है। नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। ठीक है, आपको देख के गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा और नोट कीजिएगा। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे
उनकी राजधानियां का नाम बताओ, क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि ये फलाने से फलाने शहर के बीच में कौन कौन से और राज्य पड़ते हैं या शहर पड़ते हैं, इस टाइप से पूछ लेते हैं। या दूरी कितनी है, मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी, वह शहर कौन से राज्य में है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखे होंगे और मेरे वीडियो को आप समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। आगे यहाँ पे दिया गया है, मेरा नया घर, मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे, मुझे सिर्फ भर पेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे घर से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा दे रही थी, सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया गया है, खुला आसमान के नीचे इनका घर। अब यहाँ पे आती हूँ मैं डायरेक्ट ठंडा रेगिस्तान, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आखिरकार मैं लोअर लेह पहुँच ही गया, कहाँ पहुँच गए हैं ये, तो लेह पहुँच गए हैं। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। लेह का कैसा है इलाका, तो सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, सब नोट करना है आपको, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। ठीक है, इतने तो ये लेह के शहर में एक शांत गली, मतलब वहां पर शांत इलाका है बिल्कुल, और सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घर। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जुले जुले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे, सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। तो वहाँ पे क्या भाषा है, जुले जुले का अर्थ क्या होता है, तो स्वागत स्वागत। आगे बढ़ती हूँ मैं ताशी के घर पर। ठीक है, यहाँ पे ताशी के अब उसके बारे में इन्होंने डिफिनेशन दिया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसे हम कवर कर ले रहे हैं। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर दो मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक घर रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहले मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उनका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर उनके जानवरों के रहने का की जगह थी। जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता था। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर तासी ने मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास के नजारों तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी, कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का, कहीं छत पर धान का ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। तासी ने बताया कि छत उनके घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जियां सुखा ली जाती हैं। ये ठंडे के दिनों में इस्तेमाल होती है। जब फल सब्जी नहीं मिलते तो सोचो ये किन महीनों में होता होगा और क्यों। वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हिस्सा एक खास सोचकर बनाया गया था, बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ही ठंड से बचाते होंगे। यहां जैसा यहां पे एक्सप्लेन किया गया है इनके घर के बारे में, ठीक है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिलहाल आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि इनके छतें क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह के छत होते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या क्या होती हैं जो उनके छत पे सुखाए जा रहे थे। फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर में भी आप देख सकते हैं जैसा दिखाया गया है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं शिक्षा के लिए जो संकेत दिया गया है। बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहां पेड़ पौधे नहीं उग सकते, ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नीचे मैं पढ़ती हूँ, लिखो यहाँ पे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन है। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जो मैं कवर करा रही हूँ, आप इसे ले लीजिए। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेरे संकड़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए मुझे ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांग थांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। ठीक है, कैसा था, तो सुनसान और पथरीला था। कितनी मीटर ऊंचाई पे, तो 5000 मीटर ऊंचाई पे, से भी आप फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा।
इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल से घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई न पड़ता था, न ही कोई पेट्रोल पंप और न ही मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन घुमा के पूछता है इस टाइप से कि कौन सा इलाका है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और बिल्कुल सुनसान है, पथरीला है और वहां सांस लेने में मुश्किल होती है, तो कौन सी जगह है? तो यह है चांग थांग। कई रात और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था एक बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूर पर मुझे कुछ टेंट्स दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इन सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कह रहे थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेके ऐसे देखिए, आप एक बार में सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं चांगपा पे। ठीक है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। वहां मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग, चांगपा घुमंतू लोग है। कैसे हैं? तो घुमंतू लोग हैं, इसे नोट डाउन कीजिएगा, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों और झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियाँ ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या है? तो भेड़ बकरी। सारा आपको नोट डाउन करना है। जितनी भेड़ बकरियाँ उतना ही ऊंचा परिवार स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा गर्म नरम होंगे। ठीक है, जितनी ठंड उतनी ही नरम होगी, इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लादकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल जाते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है। ठीक है, आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पटिया बनाते हैं, जिन्हें सिल कर जोड़ लेते हैं और ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। टेंट लगने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था, अपने टेंट में ऐसा नहीं कर पाता था। रेबो अंदर से मुझे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। सोचिए वे लोग कितने ठंड में रहते थे। फिलहाल मैं ऊपर एक चीज़ छोड़ी हूँ, उसे मैं कवर करा ली हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक संकेत में जो दिया गया है, चांगपा की भाषा में चांग थांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। देखिए, इसे नोट डाउन कीजिएगा। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ये शब्द है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन क्या है यह समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई में सांस लेना मुश्किल है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोग के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनकी यह समझ भी बनेगी और रोजी रोटी के लिए लोग किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस सब का जो है चर्चा करना चाहिए बच्चों के बीच। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलहाल आप खुद से इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, इसे आप मैं पढ़ा दे रही हूँ। शिक्षक संकेत के बच्चों से हर इस बारे में चर्चा करना अच्छा हुआ कि अलग अलग जगहों पर कैसे
अलग अलग तरह के घर होते हैं, एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इनके कारण वो मौसम, जरूरत, पैसों और वहाँ मिलने वाले सामान आदि पर भी बातचीत की जाए, यही चीज कह रहा है। यहाँ पे भी जो दिया गया है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ले लेते हैं। रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रहने के लिए जगह बनी थी, इसे चांगपा लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान लगाता है, ठीक है। रोज सुबह झुंड को लेखा के बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं। ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है, ठीक है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारे कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल होने वाले कोई जानवर इत्यादि। यहाँ पे श्रीनगर की ओर दे रहा है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ ही दिन इन लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी मुझे आगे बढ़ना ही था। ले से वापसी की यात्रा मुझे इन अनोखे इलाकों से दूर एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाली थी। ले से वापिस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ मैं श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखे। देखिए, लेह से ये कहाँ गया है, श्रीनगर से ये कारगिल का रास्ता होते हुए गया है, ठीक है। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों में मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है डल झील में, ठीक है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। सब सब आप नोट डाउन कीजिएगा। अपने सफर की शुरुआत में निकलने से मैं पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतने तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोड़ा है जो इम्पोर्टेंट है, शिक्षक का संकेत। तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढूंढ कर पहचाने कि सर्दी गर्मी से इनका कैसे संबंध है। इसी तरह के कुछ नए शहरों के नाम देखे और उत्सुकता बनी रही जहाँ के तापमान शून्य से भी कम चला जाता है। वापसी का समय, ठीक है। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर के होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ। वही सीमेंट, ईंट और कांच स्टील। देखिए जम्मू में कैसे हैं, तो ये दिया गया है वापसी के समय में। इस बारे में कोई दो राय नहीं थी कि ये मजबूत और टिकाऊ है, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुश किस्मत से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना लंबा वापसी का सफर करके मैं लोनर मुंबई पहुंचने वाले थे। मुंबई शहर भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापिस नहीं आना चाहती थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ये अपने बारे में लिखे हैं कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पहचान सकते हो कि यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी, ठीक है। कश्मीर लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इस दुकान या बेकरी से ही खरीद लेते हैं। इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लोग? तो कश्मीर के लोग। आगे बढ़ते हैं, सारा आपको स्क्रीनशॉट खुद से लेके, और इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको इसे देख लेना है फिगर को, और फिगर के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। इसको सारा को आपको नोट डाउन कर ले, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर ले रही हूँ, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो और लिखो, यहाँ पे कुछ दिया गया है, सारा स्क्रीनशॉट लीजिए आप फिलहाल, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो ये था लेशन, समाप्त यहाँ पे हो रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसका आंसर भी दीजिएगा। तो चलिए, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।